हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे भी होंगे। बच्चों, सॉल्यूशन का एक टॉपिक है जिसको मैं आज आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। +2 CBSE के हिसाब से तो ये टॉपिक नहीं आता है, लेकिन नीट का, जेई का जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें बहुत बार इसको पूछ लेता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, आप लोग देखेंगे ध्यान से। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है पोस्ट वॉर, पोस्ट वॉर एंड वॉकर मेथड। पोस्ट वॉर एंड वॉकर मेथड किस लिए यूज होता है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम आज पढ़ रहे हैं ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, ये इसका एक अरेंजमेंट होता है जो मैंने बोर्ड पर ड्रा किया है। यदि आप देखें ध्यान से तो इसमें क्या है, ये दो कंटेनर है। स्टैंडर्ड मेथड में तीन लेते हैं, यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए हमने दो बना दिए। दो कंटेनर है जिसमें हमने सोल्यूशन ले रखा है, ये दो कंटेनर है जिसमें हमने प्योर सोलवेंट ले रखा है, प्योर सोलवेंट। और बच्चों ये तीन यू शेप ट्यूब हैं जिसके अंदर ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर हमने CaCl2 ले रखा है, और CaCl2 जो है वो एनहाइड्रस है, सूखा CaCl2 है। अब इस एनहाइड्रस CaCl2 का मतलब है कि यदि इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये उनको अब्जॉर्ब कर लेगा। CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। देखें बच्चों होता क्या है, ये अरेंजमेंट है, इसमें हम यहाँ से ड्राई एयर को पास करते हैं, वो ड्राई एयर बिल्कुल सूखी हवा इसमें से पास करते हैं, वो ड्राई एयर यहाँ से जाती है इस सॉल्यूशन में जाती है, इसमें से उसके जो सॉल्यूशन का वेपर्स थे उनको अब्जॉर्ब करती है, फिर इस दूसरे सॉल्यूशन जाती है, इनके वेपर्स को अब्जॉर्ब करती है, फिर निकल कर सॉल्वेंट में जाती है, इनके वेपर्स को अब्जॉर्ब करती है, फाइनली वो इस ग्लास ट्यूब्स के अंदर से पास होती है, वेड एंड हाइड्रस CaCl2 में से पास होती है, और पास होकर अल्टीमेटली वो ड्राई एयर ही क्या होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि ये CaCl2 जो है वो सारा सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। अब बच्चों इस मेथड की कैलकुलेशंस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे एक बार। कैलकुलेशंस की यदि बात करें कि सर क्या कुछ होता है, कैलकुलेशंस की यदि हम बात करें इसके अंदर, तो कैलकुलेशंस की यदि बात करें, कैलकुलेशंस कैलकुलेशन की बात करें यदि, तो कैलकुलेशंस के अंदर क्या है, सबसे पहले जब ड्राई एयर इसके अंदर से जाएगी तो ड्राई एयर इसके वेपर्स को, सॉल्यूशन के वेपर्स को ऑब्जर्व करेगी, सॉल्यूशन के वेपर्स को ऑब्जर्व करेगी, तो मैं यहां से कह सकता हूं लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो मास लॉस होगा वो कितने वेपर्स को ऑब्जर्व करेगा ड्राई एयर, जो सॉल्यूशन का खुद का वेपर प्रेशर होगा, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीएस के, पीएस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से वेपर्स को अब्सॉर्ब करते हुए चली गई फिर वो पहुंची सॉल्वेंट के अंदर, तो मैं कह सकता हूं लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का जो कंटेनर है उसमें कितना मास लॉस होगा, वो सॉल्यूशंस के, अब वो जब एयर जब वो सॉल्वेंट के कंटेनर में पहुंची तो अब वो प्योर ड्राई नहीं रही, अब उसने कुछ वेपर्स कैरी आउट कर रखे हैं, किसके वेपर्स, सॉल्यूशंस के वेपर्स, तो जितना वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ज्यादा है उतना ही तो मास लॉस होगा, तो यानी कि लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए माइनस पी एस के। यानी कि क्या आ गया आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या आया आपके पास, ये आपके पास आया डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, जितना डिफरेंस था उतना ही मास अब्सॉर्ब कर लिया, उतने वेपर प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लिया, टोटल लॉस इन मास
लॉस इन मास कितना हुआ बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी एस प्लस पी नॉट ए माइनस पी एस के, पी एस के पी एस से पी एस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए, वो पी नॉट ए के प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट ए। अब बच्चों जितना टोटल मास लॉस होगा, ध्यान से देखें, जितना टोटल मास लॉस होगा यहां से इन दोनों सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में से, उतना ही मास उतने वेपर्स जब इसके अंदर से पास करेंगे एनहाइड्रस CaCl2 के अंदर से, सूखे CaCl2 के अंदर से, तो उतने ही मास को क्या कर लेंगे, जो कर लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जब बाहर निकल रही तो ड्राई एयर निकल रही है, तो जो टोटल लॉस इन मास होगा वो बराबर होगा किसके, ध्यान से देखें, टोटल गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 वो इसी के बराबर होगा और वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए के। फिर बता रहा हूं, फिर देख लें एक बार सारे बच्चे ध्यान से, यदि हम इसको देखें बच्चों ध्यान से, तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। इस ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में हमने क्या किया, ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन के कंटेनर में, ये कंटेनर जो थे फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर इन दोनों के अंदर हम सॉल्यूशन लगा था, ड्राई एयर जब इसमें से पास होगी तो सॉल्यूशन के जो वेपर्स होंगे उस वेपर्स को अब्सॉर्ब करेगी, जब सॉल्यूशन के वेपर्स को अब्सॉर्ब कर लिया तो सॉल्यूशन का जो कंटेनर था उनका मास कुछ घटेगा, तो वो लॉस इन मास कितना हुआ सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के। दूसरा, फिर उसको आगे से जब पास करें सॉल्वेंट में से, तो जब सॉल्वेंट में वो ड्राई गई है तो वो ड्राई नहीं बची, अब उसके साथ कुछ वेपर कैरी आउट हो रहे हैं और वो वेपर्स किसके हैं सॉल्यूशन के, अब वो वेपर्स हैं सॉल्यूशन के, तो वेपर्स सॉल्यूशन के हैं, तो अब सॉल्वेंट के कंटेनर में मास लॉस कितना होगा, वो मास लॉस होगा लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, टोटल मास लॉस निकालें तो दोनों प्रोपोर्शनल होगा पी एस प्लस पी नॉट ए माइनस पी एस, पी एस से पी एस कैंसिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पी नॉट ए के, पी नॉट ए के। तो जो टोटल मास लॉस हुआ जब उस ड्राई एयर को इसके अंदर से पास करोगे यू शेप के ट्यूब्स के अंदर से पास करोगे जिनके अंदर CaCl2 है, तो जो भी मास यहाँ से अब्जॉर्ब करके लाई थी, जो भी वेपर्स यहाँ से अब्जॉर्ब करके लाई थी, उन वेपर्स वो वेपर्स सारे सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे अब्जॉर्ब हो जाएंगे अल्टीमेटली ड्राई एयर बाहर हो जाएगी, तो जो टोटल गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पी नॉट ए के। अब बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, आपने रिलेटिव लॉ भी पढ़ी थी, रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी थी हमने सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर किसके बराबर है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए के, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, वो किसके बराबर आती थी डब्ल्यू बी एक्स बी के बराबर आती थी, एक्स बी, और वो किसके बराबर आती थी एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, यहां पर आप सॉल्यूशंस को डाइल्यूट नहीं मान सकते, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू अपॉन डब्ल्यू ए ओवर एम बी प्लस डब्ल्यू बी अपॉन सॉरी एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। रिलेटिव लॉ का हमने फार्मूला पढ़ा था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू एक्स बी दैट इज इक्वल टू एम बी ओवर एन ए प्लस एन बी दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ओवर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए बच्चों इसको यदि हम देखें ध्यान से, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस किसके बराबर है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर है भाई लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और पी नॉट ए किसके बराबर है टोटल लॉस इन मास या फिर टोटल गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2। यह आपके पास ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है रिलेटिव लॉरिंग इज डिटरमाइंड बाय, तो आपके पास होगा ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, रिलेटिव लोअरिंग इज डिटरमाइंड बाय ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड्स। आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे उसमें पढ़ते थे इग्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इग्लोस्कोपिक मेथड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक मेथड है। इसमें बच्चों इसको और समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे,
हम इसका तो क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें से एक करंट ऑफ ड्रायर क्वेश्चन है एक करंट ऑफ ड्राई एयर बबल थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग 26.66 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड थ्रू ए बल्ब एट द सेम टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर एंड फाइनली थ्रू एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब the loss in mass in bulb containing water was 0.087 gram and the gain in CaCl2 tube was 2.036 gram. Calculate the molecular mass of the organic substance. Calculate the molecular mass of the organic substance. बच्चों आप क्वेश्चन देखें ध्यान से, जब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ ड्राई एयर बबल थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग 26.66 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड थ्रू ए बल्ब एट द सेम टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर एंड फाइनली थ्रू एनहाइड्रस CaCl2 द लॉस इन मास इन बल्ब कंटेनिंग वाटर वाज 0.087 ग्राम एंड द गेन इन द CaCl2 ट्यूब वाज 2.036 ग्राम कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यदि बच्चों ये क्वेश्चन है हमने पढ़ा था, मैं सॉल्यूशन द्वारा हम ध्यान से देखेंगे, हमने पढ़ा था बच्चों कि रिलेटिव लोअरिंग है और रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए डेट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी बच्चों कि पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, पी नोट ए माइनस पी एस क्या रिप्रेजेंट करता है, पी नोट ए माइनस पी एस जो है पी नोट ए माइनस पी एस वो रिप्रेजेंट करता है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो यार, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब पी नोट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, पी नोट ए रिप्रेजेंट करता है टोटल लॉस और गेन इन मास ऑफ CaCl2। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं ए करंट ऑफ ड्राई एयर बबल थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग 26.66 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड थ्रू ए बल्ब एट द सेम टेंपरेचर कंटेनिंग वाटर एंड फाइनली थ्रू एनहाइड्रस CaCl2। इससे आगे की बात काम की, द लॉस इन द बल्ब कंटेनिंग वाटर में द लॉस इन द बल्ब कंटेनिंग वाटर यानी सॉल्वेंट के अंदर कितना है 0.087 ग्राम। बोलो यार, एंड अगेन इन CaCl2 ट्यूब टोटल गेन CaCl2 के अंदर दैट इज 2.036 ग्राम। बोलो यार 2.036 ग्राम, बस ये बात पुट कर दो, पी नॉट ए माइनस पी एस की रेंज आउट कर दो 0.087 ग्राम अपॉन पी नॉट ए की रेंज आउट कर दो 2.036 ग्राम दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी
मास ऑफ द सॉल्यूट जो आपने लिया था वो कितना होगा, दैट इज 26.66 अपॉन mb निकालना है उसका, mb निकालना है अपॉन wa, कितना ग्राम वाटर था 200 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 18 प्लस wb 26.66 अपॉन mb। बोलो बच्चों a के क्रम डिटरमाइन करने रहेगी क्या mb, और जब आप सॉल्व करोगे इस सारे को तो mb आपके पास आती है भाई, mb जब सॉल्व करोगे आप तो mb आपके पास आएगी 53.8 सॉल्यूशन और जीओसी उसका सिलेबस है। एक बात आप सभी से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, आप लोगों ने जिस लेवल से सॉल्यूशन को पढ़ा है, जिस लेवल से जीओसी को पढ़ा है, ऐसा किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा। और जो दमखम तुम्हारे अंदर है, जो आईक्यू तुम्हारे अंदर है, जिस लेवल से आप लोगों ने संयम से पूरी प्लस वन और प्लस टू की अब तक की पढ़ाई करी है, इतना संयम किसी बच्चे ने नहीं दिखाया आज तक। अब तो केवल और केवल जरूरत यदि तुम्हें है तो वो इस चीज की जरूरत है कि अपना पूरा का पूरा ध्यान उस रिविजन पे उतार दो, और जिसमें दम हो ना उसको दम दिखा देना चाहिए। अब वो समय आ गया, पिछला टेस्ट में देख रहा था दिक्कत आती थी, बच्चा कैसे बहुत अच्छा करता था, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। इस बार मैं होप करूंगा कि आप सारे के सारे जो है ना वो कीर्तिमान स्थापित कर दें, वो कीर्तिमान स्थापित कर दें जो स्कूल में कोई ना कर पाया। और मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ बच्चों, पूरी जिंदगी होगी मेरी पढ़ने और पढ़ाने में गुजर गई, आप लोगों जैसा IQ, आप लोगों जैसी एकाग्रता किसी के अंदर भी नहीं है। मैं यही होप करता हुआ आज के इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ कि अगला जब पेपर रिजल्ट आएगा, पेपर जब होगा तो उसके अंदर आप लोगों का रिजल्ट काबिल तारीफ होगा। तब तक के लिए कुछ वेट के लिए आपसे विदाई, बाय बाय।